बिना ठोस कारण पति और पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति पत्नी ठोस कारणों के बगैर एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं। कोर्ट ने एक महिला को पति के साथ रहने और वैवाहिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने कहा कि महिला यह बताने में पूरी तरह से विफल रही है कि वह पति से अलग क्यों रहना चाहती है। बेंच ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बेसिकली बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में, वैवाहिक अधिकारों के पुनः स्थापना के बारे में बात करता है। हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिटेल्ड वे में कवर किया था और हमने सेक्शन 9 को भी अच्छे से समझा था। अगर आप सेक्शन 9 के ऊपर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो बेंच ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 का हवाला देते हुए कहा कि पति या पत्नी में से कोई उचित कारण के बिना एक दूसरे से अलग रहने लगा हो तो पीड़ित पक्ष जिला अदालत में याचिका दाखिल कर सकता है, सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल कर सकता है। सपोज कि जो वाइफ है, वाइफ ने बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के अपने आप को खुद से पति से अलग कर लिया, तो पति फैमिली कोर्ट में सेक्शन 9 का पिटीशन फाइल कर सकता है और उसे उसके साथ रहने के लिए कोर्ट से परमिशन ले सकता है। पीठ ने कहा कि कानून की धारा 9 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि अलग रहने का उचित कारण बताने की जिम्मेदारी उनकी है जो अलग रहना चाहते हैं। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार न्यायालय के फैसले के खिलाफ महिला की अपील को खारिज कर दिया। तो बेसिकली जो फैमिली कोर्ट है उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री हस्बैंड के फेवर में पास कर दी थी और वाइफ को कहा था कि आप इसके साथ रहो। क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। क्यों आपने अपने लाइफ से इसे एक्सक्लूड कर दिया? क्यों अब आप एज अ वाइफ नहीं रहना चाहती हो इसके साथ? उसे प्रूफ करो। तो पत्नी प्रूफ करने में फेल हो गई। आइए शॉर्ट में हम सेक्शन 9 को पढ़ लेते हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स व्हेन ईदर द हस्बैंड, जब या तो हस्बैंड या वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के पति या पत्नी विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर, खुद से दूसरे के लाइफ से एक्सक्लूड कर लिया। तो जो अग्रीव पार्टी है मे अप्लाई बाय पिटिशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट में जो अग्रीव पार्टी है, सपोज पत्नी ने अपने आप को पति से अलग कर लिया है तो जो पति है वो अग्रीव पार्टी है, पति फैमिली कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटिशन मूव कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट मेड इन सच पिटिशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई सच एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। कोर्ट जो है उस पिटिशन के सत्यता के आधार पर, और कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि कोई लीगल ग्राउंड्स नहीं है जिनके बेसिस पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो डिक्री है वो पति के अगेंस्ट पास किया जाना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पास कर देगी हस्बैंड के फेवर में और फिर पत्नी को हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा।
where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who had withdrawn from the society. So if wife had withdrawn herself from the society of husband, तो वाइफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो प्रूफ करे कि किस स्ट्रॉन्ग रीजन के वजह से उसने ऐसा कदम उठाया, राइट तो ये था दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण रीसेंट फैसला जिसे हमने समझा और सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को एक बार रिवाइज कर लिया। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर कंप्लीट लेक्चर चाहते हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, हर इंपॉर्टेंट सेक्शन के ऊपर आप उन्हें रेफर कर सकते हो। थैंक यू।